नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। देखिए, आईटी इंडस्ट्री जितने सारे कंपनीज है, मतलब आईटी सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है, वो दो तरीके से होते हैं, मतलब दो टाइप्स के होते हैं, तरीके नहीं, दो टाइप्स के होते हैं। एक लार्ज कैप टाइप, एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी होते हैं और लार्ज कैप टाइप कंपनी होते हैं। लार्ज कैप टाइप मतलब जैसे TCS हो गया, जैसे इन्फोसिस हो गया, जैसे विप्रो हो गया, एसेल टेक हो गया, तो टेक महिंद्रा हो गया, इस तरीके से कंपनी को लार्ज कैप के अंदर दिया जाता है। और स्मॉल कैप टाइप कंपनी कौन सा है, जैसे आप देखेंगे तो टाटा इलेक्सी हो गया, जैसे हिंदुजा ग्लोबल हो गया, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है जो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी है। तो आज मैं बात करूंगा उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में जिसका नाम है हिंदुजा ग्लोबल। तो हिंदुजा ग्लोबल लिमिटेड है, इसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जिस अनाउंसमेंट के कारण बहुत सारे दोस्तों को फायदा मिलने वाला है, जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो क्या इस फायदे के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करें, क्या इस फायदे के बेसिस से स्टॉक के ऊपर होल्ड करें? तो चलो, मैं सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारा स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट टेलीग्राम के माध्यम से मिलेगा। और स्टॉक के बारे में जानकारी आपको जानना है, बहुत सारे कंपनीज के बारे में जानना है, तो आपको इस चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है, हिंदुजा ग्लोबल सिस्टम। तो हिंदुजा ग्लोबल आप देखेंगे, देखिए आईटी सॉफ्टवेयर जितने सारे हैं, स्मॉल एंड मीडियम टाइप जितने सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज है, उनमें से नंबर वन है टाटा इलेक्सी, जो टाटा ग्रुप का कंपनी है। उसके बाद एम्फेसिस है, उसके बाद आप देखेंगे तो एलएनटी टेक्नोलॉजीज। तो एलएनटी टेक्नोलॉजीज जो है, उसके बाद आपको जो नाम देखने को मिला और भी बहुत सारे कंपनीज है। आप देखेंगे तो ये जो कंपनी है हिंदुजा ग्लोबल, वो बहुत छोटा कंपनी है क्योंकि इसका मार्केट कैप करीबन करीबन 5,800 करोड़ का है। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है बोल सकते हैं, स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी है बोल सकते हैं। तो इसका मार्केट कैप इतना छोटा है, क्या कंपनी में सचमुच का दम है? क्या कंपनी फ्यूचर में एक बड़ा कंपनी बन सकते हैं, टाटा इलेक्सी जैसे, एम्फेसिस जैसे? तो इस तरीके से क्या बन सकते हैं? तो उसका स्ट्रेंथ के बारे में आज बताऊंगा। तो उससे पहले कंपनी का एक बार आप वेबसाइट आप विजिट कर लीजिए। तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं लीडर इन डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस। तो उन्होंने बता रहा है कि कंपनी बता रहा है कि लीडर ऑफ डिजिटल कस्टमर जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर काम करते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, किसके किसके ऊपर काम करते हैं कंपनी, AI के ऊपर काम करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं, तो रोबोटिक सिस्टम के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ कमर्शियल जितने सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन मतलब डिजिटल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, कोई एजुकेशन सिस्टम हो गया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस जो है, आप पूरा डिटेल्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए कंपनी डीप मतलब कौन सा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए कंपनी ऑटोमोटिव, तो ऑटोमोटिव मतलब अब बहुत सारे अभी जितने सारे गाड़ियां मार्केट में आ रहा है, आप देखेंगे तो की लेस है, मतलब पहले की से आपको मतलब चाबी से गाड़ी स्टार्ट किया जाता था, अभी रिमोट कंट्रोल के माध्यम से गाड़ी स्टार्ट किया जाता है। तो बहुत सारे ऑटो सेंसर के माध्यम से किया जाता है, तो उसको ऑटोमोटिव सिस्टम बोला जाता है। तो उस सिस्टम के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। मान के चलिए आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, कोई भी फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इस तरीके से नेट बैंकिंग फाइनेंशियल काम के लिए आपको इस तरीके से कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब आप फिंगरप्रिंट सिस्टम, कोई भी आप ऑफिस में जाएंगे, बड़े ऑफिस में आपको वहाँ पे फिंगरप्रिंट सिस्टम के माध्यम से एंट्री एग्जिट होना पड़ेगा, तो इस तरीके से सिस्टम के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। कंज्यूमर पैकेज गुड्स मतलब गुड्स पैकेजिंग के ऊपर जो बार कोड्स लगाए जाते हैं, तो उसको स्कैनिंग का सिस्टम, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो हेल्थ केयर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, टेलीकॉम सिस्टम के साथ भी जुड़े हुए हैं, रिटेल एंड ई कॉमर्स के साथ जुड़े हुए हैं, पब्लिक सेक्टर के ऊपर भी जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर भी जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का जो सेक्टर है मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि कंपनी हर सेक्टर के साथ जुड़े काम कर रहा है। तो देखिए आप कहेंगे सर क्या यही कंपनी इस तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कोई भी आईटी इंडस्ट्रीज को पकड़ लीजिए, हर कोई कंपनी इसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर उसका काम भी हो रहा है,
साथ ही साथ वो कितने बड़े हो रहा है कितने छोटे हो रहे वो अलग बात है। तो कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है चलो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले कंपनी ने जो न्यूज पब्लिश किया जो गुड न्यूज दिया वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसको 23 सितंबर में करीबन करीबन 25 रुपीज का डिविडेंड देने वाला है। कंपनी 25 रुपीज का डिविडेंड देने वाला है और कंपनी बहुत अच्छा एक डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं और यहाँ पे कंपनी का फाइनल डिविडेंड 25 रुपीज का है। अगर आप 23 मतलब 23 सितंबर सॉरी 23 नहीं होता 23rd होता है माफी चाहता हूँ, तो 23rd सितंबर से पहले करीबन आप देखेंगे तो 22 मतलब इस डेट से डेट मतलब इस तारीख में अगर आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको 25 रुपीज का डिविडेंड मिल जाएगा। तो अभी देखना है डिविडेंड के लिए क्या निवेश करना चाहिए, तो चलो मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो कंपनी के देखिए मार्केट कैप छोटा है, कंपनी का पीए रेशियो एकदम लो लेवल में है और मुझे इसीलिए इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ लग रहा है। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो बेस्ट लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी का फेस वैल्यू मुझे अच्छा खासा देखने को मिला क्योंकि अभी तक कंपनी ने स्प्लिट नहीं किया। इसका प्राइस रेंज करीबन 1400 रुपीज़ के आसपास है और आप पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो डेप्थ है डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो ना के बराबर है मतलब जीरो डेप्थ आप बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी ने इनकम भी कर रहा है 6000 करोड़ का। मुझे इस कंपनी का खासियत यहाँ से ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लगा, जो कंपनी का मार्केट कैप 5800 करोड़ है और कंपनी इनकम कर रहा है 6000 करोड़ का, तो सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो बहुत तगड़ा अर्निंग पर शेयर है क्योंकि अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा ही क्योंकि कंपनी के इनकम के हिसाब से कंपनी का मतलब इनकम के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप कम है। दूसरी बात कंपनी का बुक वैल्यू देख लीजिए, कंपनी का बुक वैल्यू बहुत बहुत शानदार लेवल में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला। कंपनी का सेल्स ग्रोथ इस बार नेगेटिव में है मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है। इसका मतलब क्या है देखिए कंपनी ने सेल्स कम किया इस बार कंपनी ने सेल्स कम किया मगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। क्यों? कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो सर्विसेज टाइप्स का है मतलब कंपनी ने बहुत सारे कंपनीज को सर्विस दिया और सर्विस देने के बाद एक एक टाई अप किया कि चलो मैं आपको 10 साल तक सर्विसेज दूंगा तो इससे मुझे हर साल में रेवेन्यूज आएगा। तो रेवेन्यू से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ अगर डाउन भी हो जाए मतलब नया सेल्स हो नहीं रहा है तो इसके लिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन हो चुका है मगर प्रॉफिट ग्रोथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेसिस से प्रॉफिट कंटिन्यूअसली कंपनी को मिलते जा रहा है। तो एक खासियत है ईबीटा मार्जिन एकदम कम है और कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। हर चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा सार भी। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें कंपनी का सेल्स ग्रोथ एकदम ठीक ठाक लेवल में है, हर साल ग्रोथ होता जा रहा है। कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में है, कंपनी का तो कर्जा कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, छोटा मोटा कर्जा है। तो फिर भी आप देखेंगे सर पहले तो कंपनी 100 200 300 करोड़ तक प्रॉफिट कर रहा है तो इस बार कंपनी 6000 करोड़ कहाँ से पहुंच गया। तो देखिए कंपनी को एक्स्ट्रा इनकम जो हो गया ना कंपनी का देखिए एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम कंपनी का 6000 करोड़ तक दे चुके हैं। तो एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से मिला उसके लिए आपको जानना है तो मुझे कमेंट करिए तब मैं इसके ऊपर जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो कंपनी में यहाँ पे देख सकते हैं 10 साल में 25%, 5 साल में 40%, 3 साल में 60% से भी ज़्यादा कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। और अभी आपको देखना है कंपनी में मतलब सही क्या रिटर्न मतलब देने का कैपेबिलिटी है क्या कंपनी सिर्फ फेक रिटर्न दे रहा है। तो देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे नेगेटिव लगा, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मुझे बहुत शानदार लगा, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी तो तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनी का कैश फ्लो में क्या है वो देख लीजिए, कंपनी कंटिन्यूअसली कैश को हाथ में लेके आ रहा है तो अच्छी बात है। कंपनी के हाथ में कैसा आ रहा है क्योंकि कंपनी का लास्ट टाइम 493 चलो 493 का कैश भी आया है हाथ में। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर के पास 63% होल्डिंग है अभी, एफएस के पास 8%, डीएस के पास तो कुछ भी नहीं है और पब्लिक के पास 24%। देखिए बहुत रिक्सी कंपनी है, सिर्फ रिक्सी नहीं मैं हाई रिक्सी कंपनी कहूँगा। हाई रिक्सी कंपनी के ऊपर जब निवेश करते हैं तो आपको दो बात की ध्यान रखना होगा कि कंपनी में अगर पैसा जितना आप लगा रहे हैं वो पूरा के पूरा पैसा लॉसेस भी हो सकते हैं और वो पूरा के पूरा पैसा आपको 10-15 गुना भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को समझ के मतलब आपके खुद के मतलब आपका जो माइंड सेट है उसको माइंड सेट करने के बाद ही निवेश करना। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करो, देखिए जितने सारे लोग पेशेंट के साथ बने हुए थे 2012 से मतलब जब से निवेश करके रखे हैं तब से पेशेंट के साथ बने हुए थे क्योंकि तब इसका प्राइस था करीबन 230 के आसपास।
तो देखिए कंपनी बहुत दिनों तक एक ही लेवल में रहा, तो उसके बाद कंपनी 4,000 तक गया था, 4,000, सोचिए। उसके बाद कंपनी क्या किया, स्प्लिट एंड बोनस लेके आया, तो मैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। कंपनी देखिए डिविडेंड दिया और कंपनी क्या किया, बोनस भी दिया, तो बोनस 1:1 रेशियो का बोनस दिया। इसलिए देखिए कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो आपको करीबन 2,500-3,000 के आसपास चलने वाला शेयर आपको करीबन करीबन 1,200 के रुपीज में देखने को मिला था। तो आपको फिर से धीरे धीरे ग्रोथ होता देखने को मिला है, और मुझे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखने को मिला है, मेरे हिसाब से कंपनी में फिर से ग्रोथ होने का चांसेस जरूर है। फिर भी एक बार रिसर्च करना, अगर आप रिस्की प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर एंटर करना, नहीं तो और भी अच्छा खासा कंपनी है, आईटी सेक्टर है, तो उसके ऊपर फोकस रखना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।